सबसे बड़ी खबर की बात करते हैं। योगी सरकार का बहुत बड़ा फैसला है, यूपी पुलिस परीक्षा रद्द हो गई है, 6 महीने में अब दोबारा ये परीक्षा होगी। सीएम योगी ने आदेश जारी कर दिए हैं और खिलवाड़ करने वालों पर कड़ा एक्शन भी लिया जाएगा। सीएम योगी ने साफ कर दिया है, यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 को रद्द कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं के हित में ये बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 6 महीने के भीतर पूरी शुद्धता के साथ ये परीक्षा दोबारा आयोजित कराई जाएगी। सीएम योगी ने कहा है कि युवाओं की मेहनत और परीक्षा की शुचिता से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। सीएम योगी ने बताया कि परीक्षा की गोपनीयता भंग करने वाले एसटीएफ के रडार पर हैं और इस मामले में कई बड़ी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी खबर यह है कि ये परीक्षा रद्द हो गई है और 6 महीने के अंदर फिर दोबारा परीक्षा होगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसटीएफ के रडार पर भी है और कई गिरफ्तारियां हो भी चुकी हैं, क्योंकि लगातार ये मांग कर रहे थे, जो परीक्षार्थी थे वो इस बात की मांग कर रहे थे। और सीएम योगी ने ट्वीट भी किया है, सीएम योगी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है, उन्होंने ये लिखा है कि यूपी पुलिस आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर चयन के लिए आयोजित परीक्षा 2023 को निरस्त करने तथा आगामी 6 माह के भीतर ही पुनः परीक्षा कराने के आदेश दिए हैं। परीक्षार्थियों परीक्षाओं की शुचिता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है, युवाओं की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी दशा में बख्शा नहीं जाएगा, ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी तय है। कठोरतम कार्रवाई होगी, बड़ी खबर है इस वक्त की। आपको बताएं यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, क्योंकि लगातार जो परीक्षार्थी थे वो इस बात की मांग भी कर रहे थे। कल बकायदा उनसे ये राय भी मांगी गई थी, प्रमाण भी मांगा गया था और वेबसाइट भी दी गई थी कि इस वेबसाइट पर आप प्रमाण दे सकते हैं कि कैसे ये परीक्षा लीक हुई है, इसके प्रमाण भी उस वेबसाइट पर दिए गए। उसके बाद जांच भी हुई है और आखिरकार ये बड़ा फैसला लिया गया है उन परीक्षार्थियों के लिए जो इतने दिनों से मेहनत करके परीक्षा देकर आए, लेकिन ये पेपर लीक होने का मामला सामने आया। अब इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी, साफ तौर से सीएम ने कह दिया है कि कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और लगातार एसटीएफ कार्य भी कर रही है, कई लोग रडार पर भी हैं, कई गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। तो बड़ी खबर, 6 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा होगी, लेकिन फिलहाल इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है क्योंकि पेपर लीक का मामला बहुत दिन से लगातार चल रहा था। परीक्षार्थी इस बात की मांग कर रहे थे कि इस पेपर जो लीक हो गया है इसकी वजह से इस परीक्षा को रद्द किया जाए और उन्हीं के पक्ष में फैसला लेते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और ये भी कहा है कि जो दोषी है उसे बख्शा नहीं जाएगा। कुलदीप चौहान जुड़ चुके हैं जीबीएस संवाददाता इस खबर पर। कुलदीप, क्या अब वहां पर प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है परीक्षार्थियों की तरफ से? देखिए, बता दूं कि 17 और 18 फरवरी को जो यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा हुई थी, उस परीक्षा में जो अभ्यर्थी है, अभ्यर्थियों ने आरोप लगाए थे कि पेपर लीक हुआ है। उस पेपर लीक के मामले को लेकर के जो बागपत में अभ्यर्थी है वो कलेक्ट्रेट पर कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे और उनकी यही मांग थी कि जो पेपर लीक हुआ है दोबारा से पेपर कराया जाए, पेपर रद्द किया जाए, क्योंकि जो नकल माफिया है वो पूरी तरह सक्रिय हुए थे और पेपर लीक हुआ था, जिसको लेकर के जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज आदेश किए हैं कि पेपर को रद्द किया गया है। यहाँ पर ये मेरे साथ अभ्यर्थी हैं, आप देख सकते हैं कि खुशियां मना रहे हैं, जिस तरीके से आदेश आया उसके बाद कलेक्ट्रेट में ये धरने से उठ गए हैं और ये यहाँ पर मिठाइयां आपस में खिला करके खुशियां मना रहे हैं। और जो अभ्यर्थी है उनसे भी हम जानेंगे कि ये अभ्यर्थी कितने खुश हैं, क्या कहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेखर रांगिया जी। शेखर, कब से बैठे हो आप यहाँ पर? हम 19 तारीख से बैठे हैं। अच्छा, क्या मांगे थी आपकी? हमारी मांग के लिए एग्जाम। अच्छा, आज पेपर रद्द? आज पेपर, सरकार ने हमारी मांग मांगी, यहाँ हर शिक्षक की जीत है, हर विद्यार्थी की जीत है, जो सत्य के साथ। क्या नाम है? शिवम कुमार। क्या कहेंगे आज पेपर रद्द हुआ है? पेपर है जी, हमें बहुत बहुत खुशी है, हम योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। अच्छा, तो कितने दिन से थे कुलदीप? लौटेंगे आपके पास। विशाल हमारे सहयोगी लखनऊ से क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, सुनते। के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, हालांकि इस पूरे मामले को लेकर एक एफआईआर भी कल लखनऊ के किशननगर थाने में दर्ज कराई गई थी, लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो देखिए बड़ा फैसला लिया गया है ये, और अब जो अभ्यर्थी थे वो खुशी मना रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं।
बदायूं से अमित अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीबीडी संवाददाता। अमित, वहां पर क्या रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है परीक्षार्थियों की तरफ से? ठीक है अमित, अमित लौटेंगे, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। कुलदीप का एक बार फिर से रुक करते हैं। कुलदीप, क्या और कह रहे हैं वहां जो अभ्यर्थी हैं? बिल्कुल, देखिए बता दूं कि बागपत में जो अभ्यर्थी यहां पर कलेक्ट्रेट में बैठे हुए थे, शहीद स्मारक है यहां पर बना हुआ, यहां पर ये बैठे थे, इनकी यही मांग थी कि परीक्षा रद्द की जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि ये नकल विहीन परीक्षा हो, क्योंकि परीक्षा के वक्त अगर हम बात करें तो तमाम जगहों पर सॉल्वर गैंग अरेस्ट हुए थे और इनकी संख्या एक या दो नहीं थी, 100 के ऊपर इनकी संख्या पहुंच गई थी जो पूरा ये गैंग चला रहे थे, जहां पे पेपर आउट करने की कोशिश की जाएगी। तो इन सब चीजों को लेकर फिलहाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने निर्देश जारी किए हैं। कोशिश की गई थी कि यहाँ पर नकल विहीन परीक्षा हो और इसी वजह से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी थी, कई यहाँ मुन्ना भाइयों को पकड़ा भी गया था, ड्रोन से भी नजर रखी जा रही थी, सीसीटीवी से नजर रखी जा रही थी, आला अधिकारी बकायदा नजर रख रहे थे कि नकल विहीन परीक्षा हो, लेकिन फिर भी यहाँ ये जो पेपर लीक हुआ है इसको लेकर अब ये बड़ा कदम उठाया गया है। जो भी दोषी है वो बख्शे नहीं जाएंगे, ये साफ तौर से सीएम योगी का निर्देश है। और 6 महीने में दोबारा परीक्षा होगी, लेकिन सवाल यहां पर विपक्ष भी बहुत उठा रहा था, लगातार जो अभ्यर्थी थे वो इस बात की मांग कर रहे थे कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए, जिसके लिए बकायदा धरना भी दिया जा रहा था, और आखिरकार सीएम योगी ने बड़ा फैसला लेते हुए परीक्षा को रद्द कर दिया है। 6 महीने में दोबारा ये परीक्षा होगी, लेकिन उससे पहले जो दोषी है वो बख्शे नहीं जाएंगे, एसटीएफ की रडार पर वो दोषी है, गिरफ्तारियां भी होंगी। 60,000 पदों पर भर्ती की परीक्षा हुई थी, कोने कोने से अभ्यर्थी आए थे इस परीक्षा को देने के लिए, करीब 38 लाख परीक्षार्थी इसमें शामिल भी हुए थे, 48 लाख, और 17-18 फरवरी को यह परीक्षा हुई थी। कुलदीप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कुलदीप, अब क्या कह रहे हैं अभ्यर्थी, 6 महीने बाद दोबारा ये परीक्षा होगी, इससे संतुष्ट नजर आ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बता दूं कि जो अभ्यर्थी है यहां पिछले कई दिनों से